तो गाइज आज की वीडियो काफी अमेजिंग होने क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने न्यू स्पाइडरमैन का चीट कोड बताने वाला हूँ। अब गाइज अगर आप लोगों को भी अपने न्यू स्पाइडरमैन का चीट कोड नहीं पता तो तुमको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। और साथ ही मैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपनी न्यू गाड़ी को पीछे खींच रहा हूँ, मतलब कि आप लोग अपने न्यू जाले से अपने स्पाइडरमैन के जाले से पीछे खींच सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं एक बिल्डिंग पे चिपका हुआ हूँ। अब गाइज जो अपना स्पाइडरमैन का जाला है उससे आप लोग काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग पे चिपक सकते हो और कोई भी गाड़ी को पीछे खींच सकते हो। अब गाइज मैं आप लोगों को अपने न्यू स्पाइडरमैन को लेकर दिखा देता हूँ। जो सा मैं चीट कोड डायल करूंगा वैसे वैसे आप लोगों को करना है और आप लोग का करेक्टर स्पाइडरमैन बन जाएगा। तो बिना किसी चीज के वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो काफी मजे का तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हाथ टाइम नहीं तो हाथ लगे सब्सक्राइब भी कर लेना। बिना किसी चीज के वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस छोटे से इंटू का रह चुका हूँ फिर से। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को अपने न्यू स्पाइडरमैन को दिखाऊंगा एंड गाइस उसको कैसे यूज करना है उसको भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड गाइस लास्ट में उसका चीट कोड भी देखने वाले हैं तो वो भी तुमको मिल जाएगा। तो पहले तुम देख लो कि उसको कैसे यूज करना है एंड गाइस वो चीट कोड डालने के बाद कैसा न्यू स्पाइडरमैन बनेगा। ओके जैसे तुम एक चीट कोड को डायल करोगे उसके बाद तुम्हारा करेक्टर कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि स्पाइडरमैन में। और उसके बाद तुमको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है एंड उसके ऊपर अगर तुम क्लिक करते हो तो काफी ऊंची बिल्डिंग पे भी चिपक सकते हो एंड जैसे कि तुम यहाँ पे देख भी सकते हो। एंड साथ ही उससे आप लोग काफी जैसे कोई गाड़ी जा रही है उससे भी जाले से पकड़ के आप लोग उस गाड़ी को पैक भी मंगवा सकते हो, मतलब कि जो स्पाइडरमैन की ये पावर है वो काफी अमेजिंग है। अब देखो इसको कैसे लेना है और इसका चीट कोड क्या है वो भी तुमको मैं इसी वीडियो में पता चल जाएगा। और साथ ही इसका चीट कोड तो मैं आप लोगों को लास्ट में सजेस्ट ही कर दूंगा और जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे तुमको करना है। तो अब जब तुम समझ गए कि अपने न्यू स्पाइडरमैन को कैसे यूज करना है और इसमें एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है उसको कैसे यूज करना है, अब तुम यहां तक तो समझ गए कि पकड़ के अंदर अब जिसको कैसे लेना है वो भी तुमको बता देता हूं और कौन सा चीट कोड डालना पड़ेगा उसके बाद अपने न्यू स्पाइडरमैन बन जाता है। चलो मैं आप लोगों को वो भी बताता हूं। यार वीडियो काफी अमेजिंग है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और गाइस अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो 1K लाइक का मैंने आप लोगों के लिए एक टारगेट रखा। आई होप आप लोग 1K लाइक कंप्लीट कर दोगे। और जो भी भाई मेरे से प्यार करते हैं वो लाल हार्ट मेरे को कमेंट कर देना, मैं भी देखता हूं कितने भाई मेरे से कितना प्यार करते हैं। और चलते फिर अब जाए इंडिया पकड़े के अंदर। अब जाए अपनी न्यू, साथ ही मैं आप लोगों को अपने न्यू पैराशूट को भी एंजॉय करके दिखाऊंगा। अब यार तुम बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि अपने न्यू पैराशूट ओपन नहीं होता और हम सीधा नीचे गिर जाते हैं। अब देखो तुम्हारे इंडियन पकड़े के अंदर एक फोन देखने को मिलता है उसके अंदर चीट कोड डायल नहीं करना, एक ऑप्शन देखने को मिलता है वो ऑप्शन को इनेबल करना है। उसके बाद आप लोग जैसे ही पैराशूट का मतलब ऊपर से गिरोगे उसके बाद एक पैराशूट का ऑप्शन देखने को मिलेगा उसके ऊपर क्लिक कर देना और पैराशूट ओपन हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अगर आप लोगों का वो न्यू ऑप्शन ओपन नहीं होता है या फिर ऊपर से नीचे गिरते हो कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाता तो चलो मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूं। और गाइस जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे आप लोगों को करना है, पहले बता रहा हूं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वरना आप लोग यार फिर बाद में कमेंट करके बोलोगे कि यार हमारा जो न्यू पैराशूट है वो अपना न्यू ओपन नहीं हो पा रहा और हम ढंग से समझ भी नहीं पाए, इस वजह से कह रहा हूं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते। आप लोगों को मैं बताता हूँ अपने न्यू पैराशूट को कैसे एंजॉय करना है और कौन सा ऑप्शंस भी देखने को मिलेगा। और साथ ही मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि अपना जो न्यू मल्टीप्लेयर ऑप्शंस को मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। एंड साथ ही मैंने आप लोगों को अपना न्यू मल्टीप्लेयर भी, आप लोग काफी दिनों से मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि ब्रो अपना न्यू मल्टीप्लेयर कब तक आ जाएगा एंड कौन से अपने न्यू अपडेट में अपना न्यू मल्टीप्लेयर हमको देखने को मिलेगा। तो गाइस मैंने अपने न्यू रोहित गेमिंग स्टूडियो गेम के डेवलपर से जब पूछा कि सर अपना न्यू मल्टीप्लेयर कब तक और कब तक मतलब कि आ सकता है तो उन्होंने बोला कि यार अभी तो हमारा जो मल्टीप्लेयर गेम नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी के टाइम में हमारा ऑफलाइन गेम है और अभी ऑडियंस भी कम है, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि हाँ अभी तो अगर अभी तो नहीं आएगा बट अगर लाइफ टाइम में अगर आता है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और गाइस अभी अगर जैसे भी इंडिया में क्रिकेट अपने मल्टीप्लेयर के बारे में कोई भी डिस्कस होती है वो भी जब भी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। एंड साथ ही मैं आप लोगों को अब जो दिखाने चलता हूँ सीधा डायरेक्टली अपना स्पाइडरमैन एंड साथ ही अब जो दिखाते हैं उसी के साथ मैं आप लोगों को स्पाइडरमैन के साथ साथ अपना पैराशूट को भी एड जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे तो दोनों की चीट कोड देखने से पहले तुम बहुत दिन से एक दो दिन से मेरे पास ज्यादा कमेंट आया किस वाले क्या न्यू अपडेट में अपनी न्यू जीप आ रही है या नहीं भी आ रही है। तो यही बात मैंने अपने न्यू गेम के डेवलपर से पूछी तो उन्होंने ये वाली जीप का मॉडल मतलब कि आधा रेडी करा, अभी पूरी जीप का मॉडल नहीं बन पाया, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि इस वाली जीप को अगर आप लोग ऐड करवाना चाहते हो तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जीप ओपी लिखना पड़ेगा, मतलब कि ऑडियंस का कमेंट करना है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि 50% इसके चांसेस है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जीप ओपी लिखना है और इस वाले न्यू अपडेट में ये वाली जीप आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड साथ ही अब जब मैंने आप लोगों को इस जीप के बारे में बता दिया अब चलते हैं दिखाने वाले हैं आप लोगों को अपने न्यू पैराशूट का चीट कोड एंड जो कि तुम बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हो कि अपने न्यू पैराशूट इस वाले क्या न्यू अपडेट में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है। तो यार तुम इतने ज्यादा कमेंट कर रहे थे यही बात मैंने गेम के डेवलपर से पूछ ही ली थी तो उन्होंने बोला कि इस वाले न्यू अपडेट में देखो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं ऐसा सोचा है और अभी ना ही उन्होंने कोई 50% चांसेस रखे हैं, ठीक है। एंड गाइज अगर आप लोग अपने न्यू पैराशूट को ऐड ही करवाना चाहते हो इस वाले न्यू अपडेट में तो तुम पैराशूट के कमेंट अलग अलग कर सकते हो जिससे कि मैं उनको दिखा के इस वाले के न्यू अपडेट में आप लोगों का न्यू पैराशूट को भी ऐड करवा सकूं।
सकूं, ठीक है। एंड गाइस अब जो चलते हैं अपन स्पाइडरमैन का चीट कोड, आखिर मैंने कैसे लिया है और इसको कैसे आप लोग इंजॉय कर सकते हो। तो स्पाइडरमैन को आप लोगों को इंजॉय करने के लिए आप लोगों को कुछ ऑप्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो मैं आप लोगों को इसका चीट कोड नहीं बता सकता हूं, क्योंकि रोहित गेम स्टूडियो की तरफ से यही इन्फॉर्मेशन है कि अभी इसका चीट कोड किसी को भी मत बताना। और गाइस ये भी ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले क्या न्यू अपडेट में ये अपना न्यू स्पाइडरमैन आ सकता है, या फिर मैं आप लोगों को अपने न्यू स्पाइडरमैन का चीट कोड अगली वीडियो में पार्ट टू में सजेस्ट भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने न्यू जैसे मैंने लिया है और वैसे वैसे मैं आप लोगों को बता सकता हूं। तो उसके लिए तुम सब्सक्राइब करके रख। आज की कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब